जनपद मुरादाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि छजलैट थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरा निवासियों द्वारा सर्वसहमति से गांव में खाली स्थान पर छोटी सी जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा के अनावरण के लिए हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को बुलाया गया। प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के पश्चात पदाधिकारी वापस चले गए थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजनीतिक विद्रोह के कारण हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित कुमार और सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, जिससे समाज में संगठन में अत्यधिक रोष व्याप्त है। सभी पदाधिकारी ज्ञापन के माध्यम से हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध राजनीतिक विद्रोह के कारण पंजीकृत किए गए मुकदमों को समाप्त कराए जाने की मांग करते हैं। मांगे पूरी न होने पर हिंदू युवा वाहिनी जिला मुरादाबाद और प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की बाध्यता हो जाएगी। वहीं मामले की जानकारी देते हुए हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा ने कहा कि उन लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें डीएम से मांग की गई है कि ये मुकदमा वापस किया जाए, अन्यथा हिंदू युवा वाहिनी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों ने एक डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अभी बाबा साहब की जयंती पर कुछ दिन पूर्व में एक ग्राम छजूपुरा में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष मोहित जी एवं वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके नेतृत्व में एक मूर्ति की स्थापना प्रशासन की देखरेख में की गई, जिसमें मौके पर एसडीएम साहब भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे, सीओ कांट भी वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद इन लोगों ने एक नोटिस जारी किया मोहित जी के खिलाफ में और ग्राम प्रधान और बाकी 6-7 लोग हो रहे हैं, बाकी कुछ लोग अज्ञात में, कि आप इस मूर्ति को हटवाओ और अन्यथा हम इस पर मुकदमा लिख देंगे। उन्होंने इस पर तत्काल मुकदमा लिख दिया है और आज हमने डीएम साहब से अपनी मांग रखी है, ये मुकदमा एकदम तुरंत कैंसिल होना चाहिए, वरना हिंदू युवा वाहिनी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति थी वो, तो हाँ स्थापित की गई थी वो जयंती के उपलक्ष्य में। एसडीएम का क्या नाम है? एसडीएम जगमोहन गुप्ता जी हैं, जो कि कांट एसडीएम है। और किस तरह की आपत्ति दर्ज करा रही है हिंदू युवा वाहिनी? आपत्ति ये दर्ज कराई गई है क्योंकि बाबा साहब जो है वो संविधान के रचयिता हैं, वो हमारे आदर्श हैं और हर व्यक्ति उनको आदर्श मांगता है, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो या आम जनता हो। और आज जो एसडीएम साहब ने जो ये हरकत की है हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष जी पे मुकदमा लिखकर, इसको हिंदू युवा वाहिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में हम ऊपर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से बात करेंगे। इस मौके पर योगेंद्र राणा, रविंद्र सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद।